नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। तेजस 24 न्यूज परिवार की ओर से सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। हर बार लोगों को काफी कंफ्यूजन होती है कि राखी कब और किस समय बांधे, तो यहाँ आपको बताएंगे कि भाई को राखी बांधने का सबसे शुभ समय क्या है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के लिए हमेशा से ही खास रहा है। हाथों में मेहंदी सजाकर, मन में अपने भाई के लिए दुआएं लेकर, जब एक बहन अपने भाई के लिए ईश्वर से उसकी सलामती और खुशनुमा जिंदगी की कामना करती है, तो वाकई पावन प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार खास बात यह है कि आपको हमेशा की तरह राखी बांधने के लिए किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा नहीं है। ज्योतिषों के अनुसार इस बार दिन में भद्रा नहीं है। 22 अगस्त रविवार को पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि को श्रावण पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसे में रक्षाबंधन के पर्व पर शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस साल पूर्णिमा की तिथि पंचांग के अनुसार 21 अगस्त 2021 को शाम 7 बजे से आरंभ होगी और 22 अगस्त 2021 की शाम 5:31 तक रहेगी। 22 अगस्त को पूजा का शुभ मुहूर्त 6:15 सुबह से शाम 5:31 तक रहेगा और इसी समय में राखी बांधी जा सकेगी। इसके अलावा राहु काल को अशुभ योग माना गया है। शुभ और मांगलिक कार्य राहु काल में नहीं किए जाते हैं, इसलिए इस दिन राहु काल का विशेष ध्यान रखें। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर राहु काल का समय 22 अगस्त को शाम 5:16:31 से लेकर शाम 6:54:05 तक रहेगा, यानी कि लगभग 1.25 घंटे के इस समय में राखी बांधना शुभ संयोग नहीं माना गया है। यह है रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त, जो राखी बांधने के लिए सबसे उत्तम समय है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:50 से शाम 6:03 तक, दोपहर 1:44 से 4:23 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक, अमृतकाल सुबह 9:34 से 11:07 तक। ज्योतिषों के मुताबिक आमतौर पर रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण नक्षत्र में मनाया जाता है, हालांकि इस बार ये सावन पूर्णिमा पर घनिष्ठा नक्षत्र के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिष के अनुसार घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का अपने भाई बहन के प्रति विशेष प्रेम होता है, इसलिए इस नक्षत्र में रक्षाबंधन का पड़ना भाई बहन के आपसी प्रेम को बढ़ाएगा। वहीं इस बार रक्षाबंधन पर शोभन योग बन रहा है। 22 अगस्त की सुबह 10:34 तक शोभन योग रहेगा। ये योग मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये सभी संयोग भाई बहन के लिए बहुत शुभ साबित होंगे।